नमस्कार, ये सवाल है। देख लीजिए, एक पक्का बीघा और एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है? पूरा वीडियो को देखिए, छोटा वीडियो है, बहुत ही आसानी से जानेंगे। एक लिख लीजिए, एक वर्ग गट्ठा, वर्ग गट्ठा बराबर 9801 वर्ग इंच होता है, वर्ग इंच। एक गट्ठा बराबर 8.25 फीट होता है स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर एक बिस्सा बराबर 20 वर्ग गट्ठा होता है, 20 वर्ग गट्ठा, और इसके बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है। एक कच्चा बीघा बराबर 6.66 बिस्सा होता है, इतना बिस्से होता है, ठीक। और इसके बराबर 9075 वर्ग फीट होता है। एक बीघा बराबर 20 बिस्सा, एक बीघा बराबर 20 बिस्सा और इसके बराबर 27,225 वर्ग फीट होता है। तो एक बीघा में कितना कच्चा बीघा, इसको जानने के लिए 27,225 वर्ग फीट पक्का बीघा का होता है और कच्चा बीघा 9075 वर्ग फीट, भाग कर दीजिए, 3 कच्चा बीघा होगा। एक पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होगा। और इसी तरह यदि एक एकड़ लिख लीजिए, एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट होता है, ये 9075 से भाग कर दीजिए तो बराबर ये 4.8 कच्चा बीघा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं एक कच्चा बीघा। और एक जान लीजिए, एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज धन 3 वर्ग फीट होता है। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।